कि जैसे कोई गीत जब हिट हो जाए, कोई गाना हिट हो जाए तो उसके ऊपर जितने कलाकार हैं सब लग जाते हैं। ऐसे ही एक गाना फिल्म वालों ने गाया। अब देखो गाना एक है, कलाकार अनेक हैं, तो एक गाना का अनेक कलाकार कैसे कैसे उसका ऑपरेशन करते हैं। फिल्म वालों ने गाया कि ये पर्दा हटा दे, जरा मुखड़ा दिखा दे, हम प्यार करने वाले कोई गैर नहीं, अरे हम तुम बेमनने वाले कोई गैर नहीं, हम तुम बेमनने वाले हैं। जो ये गीत गाया, ये गीत इतना हिट हो गया कि बच्चे गली गली में गुनगुनाने लगे। एक लड़की फिल्म देख के आई, स्वामी आधार चैतन्य की कथा चल रही थी, और जैसे ही आरती हुई लड़की ने माइक पकड़ लिया और वो ही गाना अपनी तर्ज में शुरू कर दिया और गाने लगे, अरे पर्दा हटा दे मैया मुखा दिखा दे। स्वामी आधार चैतन्य सोचने लगे इस गीत को तो हम भी गाएंगे। जैसे ही रात में प्रोग्राम हुआ तो आधार चैतन्य जी कीचक बद की कहानी गा रहे थे, तो बोले देखिए हमारे नौजवान साथियों, उम्र तो 65 साल की है लेकिन नौजवान साथियों आज भी कहते हैं, देखिए हमारे नौजवानों, जिस समय भीम द्रौपदी का रूप धारण करने के बाद में गया है और कीचक ने जब देखा तो बोला, क्या बोला? अब वो ही फिल्मी गाना आधार जी ने अपने तर्ज में गाया, अरे तू जल्दी पन्ना हटाए दे, गोदी अपना मुख दिखलाए दे, सुरजन चैतन्य सोचने लगे इसे गुरुदेव गाते हम भी गाएंगे, और वो ही गाना सुरजन चैतन्य ने गाया अपनी तर्ज में, और बोले देखिए हमारे नौजवान साथियों, लाखन जिस समय कन्नौज में पहुंचे हैं और महारानी पद्मा जिस समय अपने पति को आते हुए देखती है, हम अमर दोस्तों सोई पकड़ी खलाई पथी अपने की रने आंगन में रहे लाखन पद्मा से बोले हैं,
चैतन्य ने ये गीत गाया, ब्रजेश शास्त्री सोचने लगे हम काहे को पीछे रह जाए। अब बोई फिल्मी गाना ब्रजेश शास्त्री ने रोड से उतारा, खड़ंजा पे डाल लिया और गाते हुए जल्दी के पर्दा को हटाई दे सुन लिया ढोला सम्राट सरवन बाबू ने। तो सरवन बाबू अब जेई फिल्मी गाना कैसे गाते हैं, राम वही जन राम बसे और ध्यान वही जो धनी के, पुरुष न स्त्री बोले इसे तो मैं भी गाऊंगी, मैं काहे को पीछे रह जाऊं। अपनी तर्ज में गाने लगे, अरे पर्दा हटा दे मेरी जान।